कि आखिर रामनवमी पर दोस्तों दंगा कौन कराना चाहता है। ये सवाल इसीलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज अलीपुर द्वार की रैली में कहा कि रामनवमी पर बंगाल में दंगा भड़केगा। क्यों कहा ममता बनर्जी ने, सुनिए। আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, কোন দঙ্গা করতে দেবেন না। ১৯ তারিখে প্রথম ভোট রেখেছে কেন জানেন, অন্নপূর্ণা পূজা আছে ১৫ তারিখ, আমরা সবাই করি যে পারে। অন্নপূর্ণা মা, অন্নপূর্ণা মা তো দঙ্গা করতে বলেনি। ১৬ তারিখে অষ্টমী আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, ও রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে ১৭ তারিখে ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। তারপরে রাম রাম করে, আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে মনে রাখবেন, দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়ব না। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ममता दीदी दंगे को लेकर अलर्ट जारी कर रही है या दंगाइयों को जगा रही है? क्योंकि कौन क्यों बोलेगा और सिर्फ रामनवमी पे बोलेगा? दंगे के लिए उन्होंने जानबूझकर रामनवमी का ही जिक्र क्यों किया? रमजान का भी जिक्र कर सकती थी, क्योंकि ममता बनर्जी को भी मुस्लिम वोट चाहिए, इसीलिए तुष्टिकरण की राह पर दोस्तों चल पड़ी है और रामनवमी पर दंगे भड़कने की भविष्यवाणी कर रही है। ये वही ममता है दोस्तों जो जय श्री राम के नारे से चिढ़ती थी, ये वही ममता है जिन्होंने 2021 में जय श्री राम के नारे लगाने में इतनी भड़क गई कि वो अपनी कार से बाहर निकली और उतरने के बाद खुलेआम चेतावनी तक दे दी उन्होंने। वो ये वही तस्वीर है दोस्तों इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया था, ममता बनर्जी कार से उतर गई। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में थे, तब भी यहां एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने जय श्री राम का नारा लगने पर नाराजगी जताई थी और कार्यक्रम को संबोधित करने से इनकार कर दिया था। सुनिए। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। तो दोस्तों क्या ममता दीदी बता रही है, दंगाइयों को जता रही है, सोच क्या है, ये क्यों कहा जा रहा है, इसको मैं समझाना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप देखेंगे कि राम भक्तों पर सख्त, ऐसा ममता बनर्जी कानून व्यवस्था वगैरह पर, दंगाइयों पर मौन, इनकी हिस्ट्री रही है, मैं आपको प्रूफ करूंगा अगर आप आगे बढ़ के देखेंगे दोस्तों। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसलिए क्योंकि रामनवमी पर छुट्टी नहीं दी जाती थी बंगाल के अंदर, वहीं शब-ए-बारात पर छुट्टी। तो यही मैं तुष्टिकरण की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो ये सरकारें सेक्युलरिज्म के नाम पर प्रैक्टिस करती हैं। इसके बाद हिंदू मुस्लिम उत्पीड़न पर चुप्पी, हिंदू मुस्लिम उत्पीड़न पे चुप्पी और सीए और एनआरसी पर बयानबाजी। तो यहां पे जब उत्पीड़न होता है तो उस पर ममता बनर्जी चुप्पी हाजिर करती है और यहां पे फिर बहुत बोलती हैं। फिर संदेशकाली में दोस्तों आपको याद होगा किस तरीके से संदेशकाली में ममता बनर्जी, जब पूरे देश में गुस्सा था, बंगाल में गुस्सा था, इसको ममता बनर्जी आरएसएस बीजेपी से जोड़ने की कोशिश करी, परंतु यहां पे शेख शाहजहां जैसे क्रिमिनल पे कुछ नहीं बोला। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। ऐसा इसीलिए है, एक आंकड़ा दूंगा, क्योंकि ममता बनर्जी को बंगाल में ये 35% मुस्लिम वोट चाहिए। जी हां, ममता बनर्जी को बंगाल में ये 35% मुस्लिम वोट चाहिए और इसीलिए ममता बनर्जी जो है यहां पे रामनवमी को धूमिल कर पे सवाल उठाना चाहती है, क्योंकि हिंदू उसको बनाते हैं, उनको पता है कि अगर ये 35% का 90% वोट उनको मिल गया और बाकी के 70-65% हिंदू का अगर उनको सिर्फ 20% वोट भी मिल गया दोस्तों, तब भी वो सत्ता में आ सकती है। और इसीलिए बंगाल की डेमोग्राफी जो है वो ममता बनर्जी इजिली समझती है। तो ऐसे नहीं बोला है उनने, ऐसे नहीं रामनवमी पे स्टेटमेंट दिया है, ये मुस्लिम वोट को एकजुट करने की बात है या उनको इंडिकेट करने की बात है।